तो गाइस अगर काम करते वक्त 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़े और 12 वोल्ट एडाप्टर आपके पास नहीं है तब ये जुगाड़ काम आ सकता है। जैसे कि देख ही सकते हो ये चार्जर 5 वोल्ट आउटपुट देता है और मैं एक जुगाड़ लगा के इस 5 वोल्ट चार्जर से 12 वोल्ट आउटपुट करके दिखाएंगे। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ये है अंदर का मसाला, इसी मॉड्यूल पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और 12 वोल्ट आउटपुट करेंगे। पहले इसका इनपुट और आउटपुट मेजर कर लेते हैं। तो गाइस हमें चाहिए एक 12 वोल्ट जीना डायोड। इस मॉड्यूल पे 5 वोल्ट जीना डायोड या फिर 6 वोल्ट जीना डायोड आपको देखने को मिलेगा, जिसके आसपास जेड लिखा रहेगा। और यहाँ पे दो डायोड है, एक है 4041 डायोड और एक है 6 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट जीना डायोड। हमें सिर्फ 5 वोल्ट जीना डायोड को ही निकालना है। यहाँ पे जो 4041 डायोड है उसके नीचे डी लिखा रहेगा और हमें जिसे चेंज करना है उसके नीचे जेड लिखा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखना है, इस मॉड्यूल पे जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा है उसे आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा रखना है। इस कैपेसिटर में लिखा है 16 वोल्ट 200 माइक्रोफैरेड, तो ये आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा है। अगर कम होता तो हम चेंज कर देते। तो जल्दी से इस डायोड को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे देखो गाइस अब इसका वोल्टेज चेक करते हैं और ये रहा आउटपुट में 12 वोल्ट। मेरे पास एक 12 वोल्ट का एलईडी है, उसे हम चेक करके देखते हैं। तो गाइस फाइनली ये जल रहा है और मीटर के साथ भी चेक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे जब भी मैं एलईडी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मीटर में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। तो गाइस 5 वोल्ट चार्जर से 12 वोल्ट आउटपुट करके दिखाए, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।